नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिया की टोली में। दोस्तों, देश में हमारे हिंदुस्तान में इस समय सबसे सेंसिटिव मुद्दा जो चल रहा है वो है मणिपुर हिंसा, मणिपुर वायलेंस। हाल के दिनों में अभी आपने एक दो दिन पहले देखा जो मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा था, उनके साथ गैंग रेप हुआ, उनके साथ प्रताड़ना की गई। ये झकझोर देने वाली घटना थी। मुझे लगता है आप में जिसने भी इसे देखा होगा उसका खून मेरी ही तरह खौला होगा कि किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के सभ्य समाज में ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सैकड़ों लोग की भीड़ थी, मैं उन्हें लोग तो नहीं कह सकता, वो दरिंदे या उससे भी अगर कोई गलत शब्द हो उनके लिए वही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान कहलाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर मणिपुर हिंसा जो पिछले करीब 2.5 महीने के आसपास से चल रही है, करीब 80 दिन के आसपास हो गया है, आखिर उसका वजह क्या है, आखिर क्यों इतने समय के बाद भी सरकार उस हिंसा पर काबू नहीं पा पा रही है, उस हिंसा को रोकने में असफल है, और क्यों आखिर इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, आखिर क्यों दो समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मरने या मारने पर आमादा हैं, इसका विवाद क्या है, इसके पीछे के कारण क्या है, इसका पूरा इतिहास क्या है, उसे हम छोटे से एक वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्ट में आता है, यानी कि हमारे पूर्वोत्तर का एक राज्य है, काफ़ी अहम राज्य है, क्योंकि 1949 में भारत की आज़ादी के बाद ये हमारा अभिन्न अंग बना, वहाँ की जब राजा ने संधि की उसके बाद। अब मणिपुर को अगर हम देखें तो मणिपुर को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक जो घाटी का इलाका होता है जहाँ पे रहता है मैतेई हमारा समाज, दूसरा जो पहाड़ी इलाके होते हैं जिसमें रहते हैं कुकी और नागा के हमारे समाज के लोग। यानी कि ये दो जो संघर्ष हो रहा है वो एक्चुअल में क्या है, कुकी नागा समाज का विरोध है मैतेई समाज को ST में शामिल करने का, क्योंकि अप्रैल में मणिपुर हाई कोर्ट का एक निर्णय आया कि ST में इसे शामिल करने पर राज्य सरकार विचार करे मैतेई समाज को, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि हमें ST में शामिल किया जाए। हम पहले ये जानते हैं कुकी नागा समाज क्या है और मैतेई समाज क्या है। देखिए, मणिपुर में ये दो समाज जो हैं, यानी कि दो जो आदिवासी आते हैं कुकी और नागा, ये आदिवासी समाज में आते हैं यानी कि ST में, और जो हमारा मैतेई समाज है वो आता है गैर आदिवासी में। अब सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बवाल आखिर क्यों मच रहा है। ये बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि राज्य में, मणिपुर राज्य में करीब 53% आबादी मैतेई समाज की है, यानी कि मैतेई समाज के लोग उस आबादी में रहते हैं, यानी कि उस आबादी के हैं। बाकी के करीब 40-45% जो आबादी है वो है कुकी और नागा समाज की। अब दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? दिक्कत शुरू इसलिए होती है कि जो मैतेई समाज है जो 53% से ज़्यादा की आबादी रखता है मणिपुर में, लेकिन मणिपुर के कानून के हिसाब से वो सिर्फ घाटी के इलाकों में ही रह सकते हैं, वहाँ पर ही ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पर ही बस सकते हैं, जो कि सिर्फ 10% है पूरे मणिपुर राज्य की। जी हाँ, मणिपुर राज्य के सिर्फ 10% इलाकों में ही मैतेई समाज रहता है, जबकि उसकी आबादी है 53% के आसपास। बाकी के 90% इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कुकी और नागा समाज रहते हैं जो आदिवासी में आते हैं, ST में आते हैं। अब सवाल ये है कि 90% इलाके पे सिर्फ 40-45% आबादी रह रही है, लेकिन जो 53% आबादी है वो सिर्फ मणिपुर के 10% हिस्से में ही रह सकते हैं। ये कानून ही इस लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है। अब मैतेई समाज का ये कहना है कि हमें भी ST में शामिल किया जाए। ST यानी आदिवासी समाज में जब वो शामिल हो जाएंगे तो उससे होगा क्या? कानून के हिसाब से अभी मैतेई समाज जो है वो जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर कुकी और नागा समाज रहते हैं वहाँ पर वो बस नहीं सकते हैं, ना कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार की ज़मीन प्रॉपर्टी पे उनका कोई अधिकार नहीं होता है। ये कानून वहाँ का कहता है आदिवासी समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यदि मैतेई समाज आदिवासी समाज में शामिल हो जाता है ST में, तो उसे वो ये अधिकार सारे मिल जाएंगे, वो वहाँ पे बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और सारी सुविधाओं को ले सकते हैं। कुकी और नागा जो समाज है उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है, उनका जो सबसे बड़ा संदेह है, एक डर है, वो यही है कि यदि इन्हें ST में शामिल कर लिया गया, चूंकि इनकी आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा है, और इन्हें शामिल कर लिया गया कि ये हमारे इलाके में फिर आ जाएंगे, हमारा जो पहाड़ी इलाका है
उसे ये कब्जा करेंगे, वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे, अपने घर बसा लेंगे और जो भौगोलिक परिस्थिति है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसलिए कुकी और नागा समाज इनको एसटी में शामिल करने का विरोध कर रहा। अब मैतेई समाज का अपना तर्क है कि जब राज्य में उनकी आबादी आधे से भी ज़्यादा है, यानी कि 53% के आसपास है, तो सिर्फ राज्य के सिर्फ 10% हिस्से पे ही वो क्यों रह सकते हैं, बाकी के 90% इलाके में वो क्यों अपना घर नहीं बना सकते, क्यों ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो उनकी अपनी वजह जायज़ है, कुकी समाज की अपनी वजह जायज़ है, क्योंकि उन्हें लगता है यदि ये यहाँ पे आ गए, आबादी में पहले से ज़्यादा हैं, यहाँ पे आगे कब्जा करेंगे तो हमारे समाज का क्या होगा। अब सिर्फ एक ही वजह है दोस्तों, ये नहीं है कि सिर्फ यही एक वजह है जिसके कारण विरोध हो रहा है, विरोध होने के कई सारे कारण और भी हैं। ज़्यादातर दोस्तों पहाड़ी इलाके जहाँ पे कुकी और नागा समाज रहते हैं, ये म्यांमार की सीमा से भी लगा हुआ होता है, जहाँ से ये उग्रवादी आतंकवादियों का भी आना जाना लगातार बना रहता है, कई सारी इनलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। कहा जाता है कुकी समाज और नागा समाज जो है ये अफीम की खेती भी वहाँ पर करता है, जंगलों की जो ज़मीनें हैं जिन्हें ये अपनी पुश्तैनी बताते हैं वहाँ पर ये कब्जा करके अफीम की खेती का कारोबार करते हैं। इसके खिलाफ लगातार पिछले कई समय से कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तो नशे के खिलाफ जो मणिपुर सरकार ने अभियान, केंद्र सरकार ने अभियान चलाया, उसके भी एक ये एक साइकोलॉजिकल परिणाम कहा जा सकता है जो ये समाज में विरोध का एक कारण बन गया है। हालांकि नशे का जो कारोबार है उस पर सख्ती करना, उसे ख़त्म करना हर सरकार का अपना एक दायित्व होता है, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। दोस्तों 3 मई को वहाँ की आदिवासी समाज की संस्था ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक मार्च निकाला, वो मार्च था मैतेई समाज को एसटी में शामिल नहीं करने के लिए, यानी कि विरोध में था वो मार्च। और उस मार्च में ही जो मैतेई समाज था और कुकी नागा समाज वो आमने सामने आ गए। शुरुआत में झड़पें हुई, वो झड़पें एक हिंसा में बदल गई और वो हिंसा का परिणाम ये हुआ कि आज अभी तक 120 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इनके आपसी संघर्ष में, 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, रिलीफ कैंप पर रहने को मजबूर हैं। अब सरकार इसे किस तरीके से हैंडल कर रही है वो तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन पिछले 80 दिन के आसपास से लगातार ये हिंसा जो चल रही है इसे काबू करना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए यदि कोई सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे तो सरकार को अवश्य उठाने चाहिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो निर्वस्त्र वाला मामला हुआ है, जो महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया है, इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई सबसे पहले तो होनी चाहिए। देखिए मैतेई समाज और कुकी नागा समाज के अपने जो आदिवासी समाज में शामिल होने या ना होने या अतिक्रमण, ये जो सारे मुद्दे हैं ये अलग है, ये बातचीत से कानून से सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो निर्वस्त्र वाली घटनाएं हो रही हैं ये हमारे समाज के लिए क्या, किसी दुनिया में किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और सबसे पहले मैं चाहूँगा जिस जगह पे ये कांड हुआ है उस पूरे क्षेत्र में जितने भी थाने आते हैं, जितने भी पुलिस थाने आते हैं, सबसे पहले ये देखा जाए कि वास्तव में पुलिस ने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर पुलिस की गलती है तो उन थाने के जितने भी पुलिस वाले हैं सबसे पहले उन्हें सस्पेंड करना चाहिए, उसके बाद पहले ये पता लगाना चाहिए कि वास्तव में पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की इतने लंबे समय तक। 4 मई की ये घटना है, 18 जून को FIR दर्ज हुई है और आरोपी पहला गिरफ्तार कब हुआ है, कल। यानी कि आप सोच लीजिए कि 2 महीने बाद, घटना के 2 महीने से ज़्यादा बीतने के बाद पहली आरोपी की गिरफ्तारी हुई, वो भी कब, जब ये पूरा मणिपुर का वीडियो पूरे देश दुनिया में वायरल हुआ, पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आने शुरू हुई उसके बाद। तो सबसे पहले उन थाने, उन पुलिस वाले, उन सबकी जांच होनी चाहिए कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, और ये पता लगाना चाहिए कि वास्तव में उन्होंने कार्रवाई करने में कोताही क्यों बरती, उन पे कोई अधिकारियों का या राजनीतिक दबाव था, यदि वो था तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को इसमें पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि सैकड़ों घटनाएं हुई हैं और एक का वीडियो वायरल हो गया, एक घटना का पूरे भारत की इमेज पे क्या असर पड़ा है हमारे हिंदुस्तान की, वो शायद वहाँ के CM को अभी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए इसे किसी राजनीति से ना जोड़ के इस पे कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई मैं कहता हूँ, अगर फांसी इसमें संभव है कानून के हिसाब से तो वो होनी चाहिए, उन सारे लोगों की जाँच होनी चाहिए जो इनमें से जुड़े हैं, पुलिस वाले, राजनीतिक जो लोग हैं, अधिकारी हैं जिनकी जवाबदारी थी, चाहे वो सरकार के बड़े से बड़े पदों पर क्यों ना बैठा हो, सबकी जांच होनी चाहिए कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, किसके कहने पे रोका गया। आपको समाज, आदिवासी समाज नाराज हो जाएगा ये डर था, गैर आदिवासी समाज नाराज हो जाएगा ये डर था,
यदि ये सारे डरों के कारण आप कार्रवाई नहीं कर रहे थे तो इस तरीके से प्रदेश और देश तो नहीं चल सकता। मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से मणिपुर हिंसा आखिर क्यों हो रही है, उसका वास्तविक कारण क्या है, वजहें क्या हैं, उन्हें जानने में आपको भी काफ़ी मदद मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।